हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोग गॉसिप टाउन देख रहे हैं, मैं आपके साथ कृतिका हूँ। और गाइस, यही कहना चाहती हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप लोग हैं मेरे चैनल पर नए तो प्लीज सबसे पहले तो गॉसिप टाउन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए गाइस, आपको बता देती हूँ कि शालीन भनोट को अब से कुछ ही देर पहले मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर किया गया है स्पॉट। और यहां पर शालीन ने बोल दिया है कुछ ऐसा एमसी स्टैन को लेकर। लेकिन क्या बोला है शालीन ने एमसी स्टैन के बारे में, चलिए आपको बताते हैं गाइस। क्योंकि शालीन भनोट रहते हैं आजकल काफी ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन। भले ही वो बिग बॉस सीजन 16 के विजेता ना बन पाए हो, लेकिन उन्होंने टॉप 5 में अपनी जगह बनाकर कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि वो फैंस के दिलों पर राज करते हैं। और यही वजह है कि उन्हें एकता कपूर का मच अवेटेड सीरियल बेकाबू मिल गया, जिसमें उनका एक ग्रे शेड है और उन्होंने शूटिंग भी कर दी है शुरू। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जब वो आज मीडिया के सामने आए तो मीडिया के सामने वो काफी खुश तो नजर आ रहे थे, लेकिन जब एमसी स्टैन को लेकर एक सवाल किया गया तो उसका जवाब उन्होंने काफी अलग अंदाज में दिया है। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार मीडिया ने शालीन से सवाल क्या किया था। तो चलिए आपको बता देती हूँ कि मीडिया का कहना था कि शालीन, क्या आप एमसी स्टैन के कॉन्सर्ट में जाएंगे। तो ऐसे में पहले तो शालीन को बात ही समझ नहीं आई, और जब क्वेश्चन समझ आया तो उन्होंने कहा कि अरे अगर बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा। तो वैसे अब ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो शालीन है वो बात को ना टाल मटोल रहे थे, घुमा फिरा रहे थे। सीधे सीधे उन्होंने जवाब नहीं दिया कि वो जाएंगे या फिर नहीं। देखिए, आप लोगों को याद ही होगा कि बिग बॉस के घर में शालीन और स्टैन की कई बार लड़ाई तू तू मैं में गलत फहमियां दिखाई दी थी। तो ऐसे में लगता है कि शालीन जो है वो स्टैन के कॉन्सर्ट में जाना अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी खुलकर मीडिया के सामने नहीं बोल रहे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में आप लोगों को भी ऐसा ही कुछ लग रहा है शालीन के जवाब को सुनकर? तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।